हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय टीचिंग चैनल। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए और बोलने के लिए आपके चार मेन टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर होना जरूरी होता है, तो वो मैं आज के सिलेबस में कवर करूंगी। यानी कि आज के सिलेबस में मैं आपको सिर्फ वही कंटेंट बताऊंगी जो आपके स्पोकन के यूज में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपके ये चार टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, इट मीन्स यू आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, और भी जितने एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, उन पर अभी आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ये चार टॉपिक क्लियर हो गए ना, आई एम टेलिंग यू नो वन कैन बीट यू। ठीक है, तो अब तक आपने स्पोकन इंग्लिश का जितना भी कंटेंट पढ़ रखा है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से या स्कूल से, कितना भी एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ा हो, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, और सिर्फ ये चार टॉपिक्स अपने माइंड में रख करके इस सीरीज को फॉलो करिएगा। एक एक चीज मैं इस सीरीज में कवर करूंगी, सो डू ट्रस्ट ऑन मी एंड योर सेल्फ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर बोर्ड। तो बच्चों, अब हम अपना स्पोकन इंग्लिश का कंटेंट देख लेते हैं, और साथ ही साथ मैं अपनी एक आध वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि स्पोकन इंग्लिश इस वर्ड का ही यूज हम क्यों करते हैं। बिकॉज जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, घर में क्या बोल के जाते हो कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, लेकिन वहां जाकर आपको इंस्टीट्यूट के बोर्ड पे लिखा मिलता है लर्न स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो ये स्पीकिंग और स्पोकन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। Why it's published everywhere spoken word rather than speaking. तो चलिए कंटेंट देखते हैं फटाफट, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सो गाइज, मैंने आपके कंटेंट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी। ठीक है, सो नंबर वन इज बेसिक वर्ब्स। बेसिक वर्ब से हम अपना जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक वर्ब्स को आप हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हो, दे आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। बट मैं अपनी टोन में इनको बेसिक वर्ब्स कहती हूँ, क्योंकि ये हमारे कंटेंट का, ये हमारे स्पोकन का, लैंग्वेज का बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक पार्ट होता है ये। जब तक आपको ये नहीं आएगा, आगे मूव नहीं कर सकते। सेकेंड इज टेंस। टेंसेस भी आपको मस्त होना चाहिए, क्लियर होना। बेशक आपने स्कूल में सीखे हैं, फिर भी मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी आपको स्पोकन के तरीके से। ठीक है, स्कूल में एग्जाम पास करने के तरीके से नहीं। थर्ड है हमारा मॉडल्स। ठीक है, टोटल मॉडल्स 13 होते हैं, एंड दे ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल्स। तो वो भी अभी मैं लिखूंगी कि सेमी मॉडल्स में कौन क्या आता है और मॉडल्स में क्या आता है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, इसको हम मॉडल्स ही प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप भी अभी तक इसको मॉडल्स प्रोनाउंस करते हो, तो आपसे प्रोनाउंस करना बंद कर देना, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मॉडल्स कभी नहीं होता है, मॉडल ही होता है ये ऑलवेज। ठीक है, दो तरीके के मॉडल होते हैं, एक जो रैंप पे चलते हैं और एक ये स्टडी वाला है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स, ठीक है, ये भी हमारी वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स इनको बोलते हैं, ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। और अगर आपको प्रूफ चाहिए ना कि मैं गलत बोल रही हूँ, कि नहीं मैम इन्हें मॉडल्स ही बोलते हैं, हमें तो स्कूल में यही सिखाया गया है, तो आप गूगल ट्रांसलेट पे जाना, जहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी हम कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश वाले बॉक्स में आप लिखना मॉडल्स, यानी कि MODALS, ये आप लिखोगे ना, ये लिखने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर का बटन होता है, कॉर्नर में ही होता है, उस पर आप प्रेस करना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन देखना गूगल की, वो इसको मॉडल ही बोलेगा। ठीक है, वो मॉडल नहीं बोलेगा, गूगल का स्पीकर ऑन करके आप सुन सकते हो, दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ। सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा आप इसको मॉडल्स ही प्रोनाउंस करें। फोर्थ है हमारा कंजक्शंस। ठीक है, ऑलराइट, कंजक्शंस हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का। तो ये जो चार मेन टॉपिक है जो आपको एकदम मस्ट होने चाहिए क्लियर, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है बोलना, इसलिए मैंने इनको ए पार्ट में लिखा है। ठीक है, बी पार्ट में क्या आता है हमारा वोकैब्स, बिकॉज अगर आपका वोकैब्स का जो स्टॉक है माइंड में वो वीक है, या फिर उसमें बहुत कमी है शब्दों की, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप हिंदी के हर एक वर्ड को इंग्लिश में बोल पाओगे। ऑलराइट, सो आई एम इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, सो मेरे पास वोकैब्स का बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा स्टॉक है, जो मैं आपके साथ हर एक क्लास में शेयर करूंगी। यानी कि अगर मैं आपको बेसिक वर्ब का क्लास दे रही हूँ, तो क्लास के एंड में आपको 5 to 10 वोकैब्स जरूर लिखवाऊंगी।
ठीक है, वोकैब्स, वोकैब्स के बाद है प्लस डेली यूज सेंटेंसेस। ठीक है, डेली यूज सेंटेंसेस यानी कि ये वो सेंटेंस होते हैं जो आप रोज बोलते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपने बंगाली में बोलते होगे, हरियाणवी में बोलते होगे, पंजाबी में बोलते होगे, लेकिन उसको आपको इंग्लिश में एक प्रॉपर वे में कैसे बोलना है वो हम डेली यूज सेंटेंस में सीखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे प्रेस आउट करके चेकआउट कर सकते हो किस टाइप के डेली यूज सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ। एंड देन फाइनली इज इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। जब आपके ये फोर टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, फोर टॉपिक्स के साथ साथ आपका वो क्या है वो डेली यूज सेंटेंस चलता रहता है, यानी कि ये आपको इनके साथ मिला के ही पढ़ना होता है। फाइनली हमारा जो राउंड होता है वो इंग्लिश कन्वर्सेशन का होता है। ठीक है, किसी के साथ इंग्लिश कन्वर्सेशन आप तभी कर सकते हो जब आपको ये चारों टॉपिक्स का नॉलेज हो। ठीक है, तभी आप उसके सामने जो है अपने वर्ड्स को, अपने हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पाओगे। सो इंग्लिश कन्वर्सेशन इज वेरी मस्ट फॉर यू। और मेरे पास इस कन्वर्सेशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इन सब की क्लासेस देने के बाद। ठीक है, और फाइनली जब ये इंग्लिश कन्वर्सेशन के वीडियोस भी बन जाएंगे तो उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगी अपने इस वीडियो में। सी है हमारा थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट है, एक्टिव पैसिव एंड नरेशन। नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट होता है, ये भी सारा ग्रामर का ही पार्ट है, लेकिन मैंने उसको सी पार्ट को वहां पे इसलिए डिफर किया है, इसलिए अलग किया है क्योंकि स्पोकन के लिए आपको सिर्फ ये चार क्लियर होना मस्ट है। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं है ना स्पोकन के लिए तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको स्कूल में एग्जाम देना है, गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटिशन है, तो आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ स्पोकन के नजरिए से आपको सिर्फ ये चार टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी ग्रामर का पार्ट है और ये आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज देम। बट ड्यूरिंग स्पीकिंग जब आप बोलते हो ना तो सामने वाला कभी नोटिस नहीं करेगा कि आप उससे एक्टिव पैसिव में बात कर रहे हो या आप उससे नरेशन में बात कर रहे हो। वो सिर्फ इतना नोटिस करता है कितना फ्लुएंसी आप बोल रहे हो, ठीक है, कितने अपने शब्दों में आपकी क्लियरिटी है, कितने वर्ब्स आप एक्यूरेट यूज कर रहे हो, अगर वो जज करे तो। ठीक है, नॉर्मल अगर आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव से बोल रहे हो तो वो नोट नहीं करेंगे। ठीक है, आप खुद नोटिस करना, कोई भी नोट नहीं करता बात करते टाइम आप एक्टिव पैसिव में बोल रहे हो या नरेशन में बोल रहे हो। ठीक है, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स को बिल्कुल अलग किया है। ये भी यूज होते हैं स्पोकन में, बट लोग इनका यूज इस तरह करते हैं उसको पता ही नहीं चलता कि आपने ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस बोला है। ऑलराइट, तो जनरली जो हमारा मेन कंटेंट होता है सिर्फ स्पोकन सीखने के लिए वो ये चार टॉपिक्स हैं, वर्ब्स, टेंसेस, मॉडल्स एंड कंजक्शंस। ठीक है, सो आई विल कवर ऑल ऑफ देम। मैं ये सारा कंटेंट आपके लिए कवर करूंगी जिसके लिए आपको मेरे को फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट विद योरसेल्फ इफ यू आर गोइंग टू लर्न अ लैंग्वेज। अब मैं आपको एक छोटा सा पार्ट और क्लियर कर देती हूँ कि मैं वर्ब्स में क्या पढ़ूंगी, मॉडल्स में क्या पढ़ूंगी और कंजक्शंस में क्या पढ़ूंगी। इसलिए आप अपने साथ एक अगर नोटबुक लेकर बैठे हो तो साथ के साथ उसको नोट डाउन करते चलो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो गाइज, बेसिक वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे होते हैं बट आपको सिर्फ लिमिटेड पढ़ने हैं, लिमिटेड यानी कि उतने ही आपको यूज करने हैं जो आपकी स्पोकन लैंग्वेज में काम आ सके, वरना क्या फायदा, 1000-2000 आप पढ़ लो और सब भूल जाओ, कुछ दिमाग में ही ना रहे। उतना ही पढ़ो जितना दिमाग में फिट रहे और आपके हेल्पफुल हो यूज में स्पोकन के। तो has, have, had इसको पढ़ेंगे हम, had, had to, have had to, has had to इसको पढ़ेंगे हम, was verb का यूज, was to, were to, ठीक है, was to, were to अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ोगे आप, about to और going to, ठीक है, ये एक ही होता है, यानी कि इन सब का मतलब एक ही होता है हिंदी में, इसलिए मैंने जो है ये नीचे स्लैश डाल दिया है। और बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको स्टार्ट करूंगी, क्लास वन से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगी, तो इसको फॉलो करिएगा सीरीज को, सो डोंट मिस एनी वीडियो ऑफ अ क्लास। ऑलराइट, अनदर आर हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैविंग टू, एबल टू, अनएबल टू,
विल बी एबल टू, मे हैव टू एंड माइट हैव टू, ठीक है। अगर आपने इन सब का यूज अपने स्कूल के टाइम में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अब पढ़ाऊंगी, और मैं गारंटी लेती हूँ पूरी सीरीज अगर आप फॉलो करोगे तो इंग्लिश आप डेफिनेटली बोलोगे, ठीक है। ये कुछ और बेसिक वर्ब्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। यूज टू, कीप, कीप ऑन, कीप्स ऑन, कैप्ट ऑन, स्टार्ट एंड बिगिन टू और बीन टू, ठीक है। यहाँ पे स्लैश का क्या मतलब है कि इन सब का यूज एक ही मीनिंग के साथ होता है, ठीक है, इसलिए मैंने स्लैश डाला है। पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर जो है ये डिफर हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मॉडल्स की। टोटल मॉडल्स मैंने क्या बताया था, 13 होते हैं, 10 + 3 = 13, जिसमें से 10 होते हैं हमारे मॉडल्स, फुल मॉडल्स, और जिसमें से 3 होते हैं हमारे सेमी मॉडल्स। इनको सेमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुछ फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होते हैं और कुछ फॉर्म में मेन वर्ब्स की तरह यूज होते हैं, इसलिए उनको सेमी मॉडल्स कहते हैं। और ये वाले मॉडल्स जो है हर एक फॉर्म में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के एक फॉर्म में ही यूज होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आया इन्हें सेमी मॉडल और इन्हें मॉडल क्यों कहते हैं। अब देखो सेमी मॉडल 3 है सिर्फ, यूज टू, डेयर एंड नीड। यूज टू मुझे पता है मैंने बेसिक वर्ब में भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, बिकॉज वो बेसिक वर्ब में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसका बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। यूज दोनों में एक ही है, वहां भी आपको एक ही तरह का यूज सीखना है, यहाँ भी आपको एक ही तरह का यूज सीखना है, पर मैंने बताया इसलिए है क्योंकि है तो ये सेम सेमी मॉडल, ठीक है। करेक्ट फॉर्म इसका सेमी मॉडल होता है, बट इसको बेसिक वर्ब में इसलिए लिखा तक मैंने क्योंकि ये भी थोड़ा हमारा बेसिक में रोल प्ले करता है, आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। मॉडल्स में आ जाते हैं, कैन, कुड, बचपन से पढ़ा है आपने, ठीक है, लेकिन आपको इस सीरीज में कुछ अलग तरीके से पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जो आपके माइंड में हमेशा फिट रहेगा और बोलते टाइम ऑलवेज यूजफुल रहेगा। मे, माइट, ऑट टू, शुड, विल, शैल, वुड एंड मस्ट। अब बारी आती है कंजक्शंस की, एंड आई नो अभी आप सोच रहे मैंने टेंस का तो लिखा ही नहीं। टेंस का मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज उसमें आपको तीन ही चीज पढ़नी होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो बहुत इजी होता है एक्सप्लेन करना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तभी मैं आपको बता दूंगी। अभी आप कंजक्शन देखो, कंजक्शंस बहुत सारे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, और मैं आपको बिल्कुल भी बच्चों वाले कंजक्शंस नहीं पढ़ाऊंगी जो आपको फिफ्थ क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए जाते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज एंड दे आर सो ऑन, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही एडवांस कंजक्शंस जो आपके स्पोकन के लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, स्पोकन के लिए। और आपको बारी बारी ही चलना है, पहले हमें वर्ब्स करनी है, फिर टेंस, फिर मॉडल्स एंड फिर कंजक्शंस, तभी आप जो है हर एक वर्ब का यूज करना अच्छे से सीख पाएंगे। सो ऑल्दो के साथ ऑलवेज वैन का यूज हम करते हैं, कीपिंग इन व्यू, फॉर द पर्पज ऑफ, और सपोज टू, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने 4 लिखे हैं, बट ये होते बहुत सारे हैं, अभी मैंने सारे इस वीडियो में नहीं लिखे हैं क्योंकि जब मैं कंजक्शन की सीरीज स्टार्ट करूंगी तब मैं आपको फर्स्ट क्लास में वो सारे लिखवा दूंगी। जैसे और भी होते हैं, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, एज फार एज, लेस्ट के साथ, शुड, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन सब के साथ वैन, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं इसलिए मैंने नहीं लिखा है, और मैं ज़्यादा इस वीडियो को अभी लंबा नहीं करना चाहती हूँ। तो सिलेबस आपको आपका इतना ही था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो सिलेबस इतना ही था, इतनी चीज़ आपको, यानी कि ये 4 मेन टॉपिक्स ही आपको मेनली जो है कवर करने हैं। बाकी बचा पार्ट एक्टिव पैसिव और नरेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कॉम्पिटिटिव के तरीके से और स्पोकन के तरीके से भी। तरीका दोनों का सेम ही होता है, चाहे आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करो या अपनी स्पोकन में यूज़ करो। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्लास 1 के साथ। बेसिक वर्ब की फर्स्ट क्लास दूंगी मैं आपको, ठीक है, जैसे ही वो वीडियो शूट हो जाएगा उसका लिंक मैं इस वीडियो में जरूर ऐड करूंगी। सो फाइनली डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई नो अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वन विद फर्स्ट क्लास ऑफ बेसिक वर्ब्स। बाय बाय, सी यू।